गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर। क्वेश्चन नंबर 80 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं और प्रीवियस पार्ट्स में मैंने प्रीमियम वाले फॉरफिटेड वाले सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझाए थे। तो क्वेश्चन एक और कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 और 81 में इसको थोड़ा सा और अच्छी एंट्रियों के साथ मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। पांच जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस, एनके लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर। अब पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, एक ही शेयर की कैलकुलेशन की थी, यहाँ पे 200 शेयर फॉरफिटेड कर रहा है, ठीक है। और एनके लिमिटेड ने फॉरफिट किए 200 शेयर 10 ईच, इशूड एट प्रीमियम ₹5 पर शेयर, हेल्ड बाय राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। यहाँ पे देखो कॉल भी दे दी कि फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दे रहा है, इसका मतलब फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा दे दिया कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला है और फाइनल कॉल से पैसा सारा मिल गया। ₹10 का शेयर है, ₹3 नहीं मिले तो मिले कितने हैं, बिल्कुल सही, ₹10 का शेयर है, फाइनल कॉल के ₹3 नहीं मिले तो इसका मतलब दे कितने दिए उसने, ₹7 दे दिए। उन शेयरों को प्रॉफिट कर लिया, बाद में 100 शेयरों को रीशू कर दिया विशु को एट अ डिस्काउंट ₹4 पर शेयर। 100 शेयर रीशू किए और ₹4 पर शेयर आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। अब आपको बतानी है एंट्री पास करनी है, तो पहली एंट्री क्या पास होगी, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया है क्योंकि फाइनल कॉल पे पैसा है। कहां पे है पैसा, प्रीमियम फाइनल कॉल पे है, सॉरी प्रीमियम तो पहले हो रहा होगा, फाइनल कॉल पे उन्हें नहीं दिया ₹3, इसका मतलब प्रीमियम आपको मिल गया है। तो प्रीमियम जब मिल गया है तो प्रीमियम को फॉरफिटेड नहीं करते, मैंने आपको समझाया प्रीमियम हमारा फॉरफिटेड नहीं होता है। तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर से हमारे 200 और एक शेयर की कीमत कितनी है ₹10, तो 200 × 10 करोगे तो कितना आएगा 2000। पैसा कहां नहीं मिला है, टू शेयर फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला है, तो फाइनल कॉल कितने की है 200 × 3 कितना हो गया 600। तो उसका मतलब उसने पैसा कितना दिया है, उस पैसे को हम क्या कर देंगे, फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो 200 × कितना जाएगा बताओ, 7 तो फॉरफिट हुआ, ₹10 का शेयर है, ₹3 नहीं दिए तो दिए कितने उसने 7, कितना हो गया 1400। प्रीमियम को नहीं जोड़ेंगे, प्रीमियम फॉरफिटेड नहीं होता, उसने ₹5 जो प्रीमियम के दिए हैं वो फॉरफिटेड नहीं होगा। तो यहां पे लिखेंगे बी शेयर फॉरफिटेड। बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे, यहां पे ₹15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹15 से मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि प्रीमियम शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। दूसरी एंट्री उन्होंने रीइशू कर दिया, कितने शेयर रीइशू किए बताओ, 100 शेयर और ₹4 डिस्काउंट पे, इसका मतलब कितने रुपए लिए हैं ₹6। तो ₹4 कहां से लिया होगा उसने पैसा, शेयर फॉरफिटेड से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 100 × 4 कितना 400। तो यहां क्या जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर रीइशूड, ठीक है। अब यहां पे ₹100 का 100 शेयर है, ₹10 का कितना हो जाएगा 1000। अब यहां देखें कि हमारा कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा, थर्ड नंबर की एंट्री देखें, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगर आपको देखें आपके शेयर में कितना अमाउंट था, फॉरफिटेड में कितना अमाउंट था एक शेयर पे 7, उसमें से कितना निकाला आपने 4, तो कितना रह गया 3, तो 100 × 3 तो कितना आ जाएगा 300। समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीका है भाई, ₹7 फॉरफिट किया, ₹4 निकाल लिया तो कितना बचा ₹3। एक तरीका तो यही है, सीधा सीधा तरीका। दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके में हमें सीधा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखो ये जो अमाउंट है 1400
ये है 200 शेयरों का, कितने शेयरों का पैसा है 200 इंटू 100 शेयरों का कितना होगा 700, जिसमें से हमने कितने निकाल लिए 400 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना रिजर्व में 300। एक तरीका ये भी है, पर बेस्ट तरीका यही है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधा सीधा माइनस करो, सीधी सीधी कैलकुलेशन करो, 7 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 3, सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जिसको जो भी आसान लगे, जिसको जिस चीज की भी आदत है, हो सकता है किसी टीचर ने किसी और तरीके से भी पढ़ाया, ऑनलाइन मिरर सिस्टम पढ़ रहे हैं मेरे से, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। ऑनलाइन जैसा स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और बेटा वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक भी करो, अच्छा लगता है लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है मुझे, तभी एक नई अच्छी वीडियो बनाने का एक मौका मिलता है। चैनल पे आते हो, वीडियो देखते हो, समझ लो यही फीस है मेरी, और अपकमिंग एग्जाम के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, और विश यू हैप्पी दिवाली। जब भी आपको वीडियो मिल रही होगी तब मेरे ख्याल से दिवाली आ चुकी होगी, और आपको मेरी तरफ से आपके परिवार वालों को आप सबको दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रात को 9 बजे एक मेरी वीडियो जरूर आती है। और एक चीज़ पर ध्यान रखें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, मैं आपके साथ हूँ एंड तक 12th तक, और जुड़े रहें मेरे साथ, बोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, कम्युनिटी टैब पे जाएं, वहाँ पे बहुत सारे MCQs हैं मेरे, उन्हें सॉल्व करें, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।